ये प्रोग्राम जो आज संकल्पित किए जाएंगे वो आपके सामने होंगे, जिसका आप लाभ उठाएंगे। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। एक बार फिर लोक निर्माण विभाग अमेठी की ओर से मैं अपराजिता मेहरा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे आज बीच उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी आ चुके हैं। एक बार फिर भव्य स्वागत हो जाए उनका जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि कार्यक्रम को जितनी जल्दी हम शुरू कर सकें बेहतर होगा। तो मेरा सबसे पहले निवेदन है कि हमारे मंच पर आसीन अतिथिगणों के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री राम मनोहर मिश्र जी को, जिलाधिकारी अमेठी से मेरा निवेदन है कि कृपया एकल पुष्प के द्वारा हमारे आज के स्वागत समारोह की श्रीमती जुबिन ईरानी जी के स्वागत सब। और मैं चाहूंगी दीदी सबसे पहले स्वागत करना चाहती है हमारे डिप्टी सीएम श्री, और ये बहुत ही सुंदर परंपरा शुरू हुई है पिछले 5 सालों से कि एकल पुष्प की बहुत ही प्यारी अवधारणा है। इसमें हम कहीं भी पुष्पों का कोई भी वेस्टेज नहीं है हमारे यहाँ। और ये हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए हमारे जिलाधिकारी जी द्वारा स्वागत करते हुए मासिम रजा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बाकी सभी गणमान्य जनों का भी हम चाहेंगे कि पीछे कोई एकल पुष्प द्वारा स्वागत करके उन्हें आसीन करें। मैं चाहूँगी जितनी जल्दी आप लोग आसीन हो जाएं, हम कार्यक्रम को औपचारिक शुरुआत दें। कृपया अपने स्थान पर चले जाएं और फोटोग्राफ्स या सेल्फी के लिए यहाँ ना आएं। थोड़ा कार्यक्रम अव्यवस्थित होता है तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है मेरा कि आप अपने जगह पर बैठ जाएं। और यहाँ पे मौजूद सभी अधिकारियों से भी और विधायकों से भी मेरा निवेदन है कि आप सम्मान अपना आसन ग्रहण करें। अमेठी और आज जनपद तिलोई के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच आज इतने गणमान्य जन एक साथ एक मंच पर एकत्रित हुए हैं। करतल ध्वनि अगर लगातार बनी रहेगी तो बहुत सुंदर लगेगा। ये क्षण ऐसा है जिसमें आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट से ही सम्मान है सभा का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आसन ग्रहण करें। और हम चाहेंगे कि जितनी जल्दी दीप प्रज्वलन के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे सभी अतिथिगणों को। और व्यवस्था रखें, थोड़ा वहाँ पे जगह बनाएं जहाँ पे दीप प्रज्वलन हो। हमारे आज के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मुख्य अतिथि श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, हमारी दीदी गरिमा जी, सभी विधायकों श्री अशोक चौरसिया जी, श्री काशीनाथ तिवारी जी, श्री जंग बहादुर सिंह जी, श्री गजाधर सिंह जी, श्री दुर्गेश त्रिपाठी जी, श्री डॉक्टर राम मनोहर मिश्र जी, डॉक्टर श्री प्रभुनाथ जी, श्री के सिंह जी, श्री कृष्ण कुमार सिंह जी, उपस्थित यहाँ सभी जितने भी गणमान्य जन हैं हमारे अतिथिगण हैं आज मंच पर आसीन। अगर आप लोग थोड़ा अगर भीड़ नहीं करेंगे तो दीप प्रज्वलन बहुत सुंदर तरीके से होगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप प्रकाश का द्योतक है, प्रकाश ज्ञान का। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, उसी तरह जी और उसी प्रकार मानव की वृद्धि और विकास की दिशा सदैव ऊपर और आगे की तरफ बढ़े, इसी कामना के साथ दीप प्रज्वलन में सम्मिलित है हमारे सभी अतिथिगण। इस कामना के साथ कि ये पूरा जनपद ही नहीं, पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरा विश्व विकास की ओर आगे बढ़े, विकासोन्मुख हो,
और चल यार, यही से इसकी आज सुंदर शुरुआत हो। अब हम सबसे पहले स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय राजा मयंकेश्वर शरण सिंह जी, जो कि माननीय विधायक तिलोई भी हैं, को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर कि आप कृपया कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और स्वागत उद्बोधन दें। राजा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं इस तिलोई की धरती पर जीतने के बाद पहली बार पधारी अपने यशस्वी सांसद और आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय दीदी स्मृति रानी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। और एक निवेदन दीदी से है, मेरा आग्रह है और मेरा सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है, अमेठी लोकसभा में अब जब भी कोई कार्यक्रम हो, किसी कार्यक्रम में दीदी मुख्य अतिथि ना हो तो क्या हो, मेरे ख्याल से कार्यक्रम की अध्यक्ष हो। मुख्य अतिथि क्या होता है? अतिथि होता है। और आप सब लोग मेरी इस बात से सहमत हो गए कि अमेठी लोकसभा दीदी की हो गई है और दीदी अमेठी लोकसभा की हो गई है, तो अब अमेठी में अतिथि कैसे रह गई। और आप लोग को बता दूं, बहुत जल्द गौरीगंज में निवास भी बनने जा रहा है और साथ ही साथ बहुत जल्द अमेठी लोकसभा की वोटर भी हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में अतिथि कैसे कहा जाएगा? जो अपना है वो किसी भी सूरत में अतिथि हो ही नहीं सकता। सहमत है मेरी बात से आप लोग? तो आगे से जो भी कार्यक्रम होगा उसमें आप कार्यक्रम की अध्यक्षा होंगे। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय केशव प्रसाद मौर्य जी, राज्य सरकार में आप उप मुख्यमंत्री हैं, मैं इस तिलोई की धरती पे आपका अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके विभाग का सबसे ज़्यादा धन तिलोई में ही खर्च हो। राज्य सरकार के यशस्वी राज्य मंत्री आदरणीय मोशी राजा जी, जो हमारे जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। अमेठी से विधानसभा के सदस्य आदरणीय रानी गरिमा सिंह जी, जिला अध्यक्ष त्रिपाठी जी, काशी प्रांत के महामंत्री आदरणीय चौरसिया जी, काशी प्रांत के महामंत्री काशी तिवारी जी, मंच पर बैठे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, नेता बंधु, जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब और सामने बैठी सभी जनता जनार्दन, प्रधान, बीडीसी गण, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए उसके लिए आप सबका आभार। बाहर से जो भी अतिथि आए हैं उन सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ मैं।